सो वेलकम बैक। ये हमारे स्पेसेस सीरीज का 10वां वीडियो है। ये सारी वीडियो जो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अबव ऑल, ये सारे वीडियोस मेरे इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। सो यू कैन गो एंड यू कैन सी ईच एंड एवरी वीडियो पार्ट वाइज ऑफ टू डे स्पेसेस सीरीज। सो आज जो हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे हिंदी वीडियो के तहत, वो है हाइपोथेसिस का कंसेप्ट और इसको कैसे डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि ये एक एजुकेटेड गेस है जो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय, एक रिसर्चर डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी चीज़ें। ये एक मेयर गेस नहीं है, ये एक ऐसे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक एजुकेटेड गेस है जिसके पीछे कुछ ना कुछ बेस होता है और इट्स ऑल अबाउट उस सिचुएशन के लिए होता है, उस रिसर्च के लिए होता है, उस एक डेटा सेट के लिए होता है, उस एक पॉपुलेशन के लिए होता है। तो कह सकते हैं कि ए हाइपोथेसिस इज ए एजम्पशन और ए एजुकेटेड गेस अबाउट हाउ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कैसे दो और दो से ज्यादा वेरिएबल रिलेटेड है। इट मेक ए कंजेक्चुअल स्टेटमेंट, एक मिला हुआ स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल्स की, जैसे अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की, सो इसमें जैसे प्रिडिक्ट करते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर को। रिसर्च में हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द कॉज ऑफ द चेंज। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि दो तरीके से लिखते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नॉर्मली हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों सेम है, ये दोनों के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिग्निफिकेंटली कोई कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस करते हैं और उसके अपोजिट को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। मतलब जेंडर के चेंज होने से मेल हो या फीमेल हो, मेल और फीमेल के बीच के जो है हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग या हमारे स्टडी में जो भी सैंपल है उनका एजुकेशन लेवल ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा नंबर्स वाइज थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं बट ये डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देर इज ए रिलेशनशिप, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन। जो एक इस तरह का हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस हमेशा एक एजुकेटेड गेस होता है जो कि रिसर्चर डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरिकल थ्योरीज, ऑन द बेसिस ऑफ सम बेस, जैसे कि उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी थ्योरी, उसका मॉडल जिसको वो लेता है। अब कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। एक चीज और है कि कई बार सिग्निफिकेंस में टू टेल और वन टेल की बात होती है। टू टेल का मतलब ये होता है कि जब मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कोई डायरेक्शन ना दूं, मतलब मैं ये ना कहूं कि ये पॉजिटिव रिलेटेड है और नेगेटिव रिलेटेड, सिंपली कहता हूं कि रिलेटेड है, तो उसको टू टेल कहते हैं, जो वो राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब एग्जाम्पल अब देखता हूँ, नल हाइपोथेसिस, देर इज नो डिफरेंसेज इन ऑफिसर्स इन लेवल ऑफ कमिटमेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक स्टडी है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सबका कमिटमेंट लेवल सेम है, नो डिफरेंसेस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है कि ऑफिसर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव द हायर देन द एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं ये बिलीव करता हूँ कि नहीं, उनका हायर है एवरेज से। सो ये एक वन डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायरेक्शन में, सो वन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव। अब ये सेकंड हाइपोथेसिस को देखते हैं, नल हाइपोथेसिस एच जीरो या एच नॉट, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मेल एजुकेशन एंड फीमेल एजुकेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देर इज ए नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन। उसका अल्टरनेटिव जस्ट अपोजिट क्या होगा, देर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मेल एजुकेशन एंड फीमेल एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं ये कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टू साइडेड, टू डायरेक्टेड और ड्यूअल डायरेक्शन। थर्ड है, देर इज ए नो सिग्निफिकेंस शिफ्टिंग ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम ऑफलाइन शॉपिंग। ये भी वन डायरेक्शन है, देर इज ए शिफ्टिंग ऑफ ऑनलाइन। देर इज ए नो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेज ऑन स्टूडेंट, देर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है
उसके पीछे जो हम डेवलप करते हैं उसके पीछे ये इंटेंशन होता है कि हम टेस्ट करना चाहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. वी वांट टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वट एवर एज पर द रिजल्ट इट विल कम. नॉर्मली नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम होता है, 0.05 से कम होता है, तब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हाइपोथेसिस का, जो कि आपको आगे भी काम आएगा.